भाई वेलकम बैक टू माई व्लॉग। ये मेरा जो मेरी पिछली एपिसोड थी उसमें मैंने मैंने आपको हैदराबाद M9 कराची टू M9 हैदराबाद तक का ट्रैवल कर हमने किया था हमने। और अब जो ट्रैवल है ये हैदराबाद के हिसाब से है थोड़ा सा। ये हैदराबाद का घर होते हैं हैदराबाद में टेंट के इलाका कहलाता है। ये मिड पे दोपहर का टाइमिंग है और ये हैदराबाद का जनरल हेडक्वार्टर हैदराबाद गैरिजन। छोटा शहर है लेकिन यहाँ पे रोड जो है ना यार बहुत अच्छे रोड्स हैं, साफ सुथरे रोड्स हैं। और आबो हवा भी कराची से कंपेरिजन देखी जाए तो सर्दियों में ज़्यादा अच्छी है। भाई ये एक और रोड है हैदराबाद का जो हम एंटर हुए हैं यहाँ पे। इस रोड का नाम तो मुझे नहीं पता लेकिन ये अच्छी हाउसिंग सोसाइटी है यहाँ पे। दोनों जाने यहाँ पे ठंडे ठंडे दरख्त हैं, दरख्त की ठंडक की वजह से यहाँ पे ठंड अच्छी हो रही है, फ्रेश हवा हवा है यहाँ पे। भाई आप भी ना अपने कमेंट्स में जो हैदराबाद वाले हैं वो आ जाएं और अपने कमेंट्स दे सकते हैं और बता सकते हैं कौन कौन से रोड हैं। मुझे भी थोड़ा बहुत आइडिया है कुछ जगहों का, कुछ जगहों का नहीं है। आई लव हैदराबाद। ये है लतीफाबाद। Speed to the city streets, we began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young, it is just begun. ये भाई देखें, ये हैदराबाद का फाटक, जो हैदराबाद में रहने वाले हैं वो तो जानते ही होंगे। जब यहाँ पे एंटर होते हैं शहर के अंदर तो ये फाटक आता है। भाई हैदराबाद में तो जो है ना दोपहर में शादियाँ होती हैं यहाँ पे ज़्यादा। अच्छा भाई ये 8 नंबर का बाज़ार है हैदराबाद के अंदर। अच्छा भाई जैसे कि आप लोग यहाँ पे शॉपिंग करने के लिए आए हैं हैदराबाद में तो यहाँ पे 8 नंबर की मार्केट है और यहाँ पे हर तरह की चीज़ें हैं, हर तरह के स्टॉल्स हैं। लोकल्स यहाँ पे ज़्यादा आते हैं। ये बच्चों की शॉप है ऐसे कि फ्रूट शॉप, और आपको लेना है कुछ और ये यहाँ का पूरा मंजर है। आप हैदराबाद की बहुत ही पुरानी मार्केट है 8 नंबर की मार्केट और ये इसकी यहाँ पे गलियाँ हैं। भाई ये जो है ना यहाँ पे शाम का व्यू है और शाम को जो है ना यहाँ पे शदीद किस्म का रश है मार्केट में। और हर चीज़ है। ये 7 नंबर स्टार्ट हो गया आई थिंक, हैदराबाद का 7 नंबर है, 7 नंबर कहलाता है। ये सुजुकी है यहाँ पे ट्रांसपोर्ट के लिए, लोकल ट्रांसपोर्ट के लिए इस्तेमाल की जाती है यहाँ पे। वैसे रिक्शा है, टैक्सी है। अच्छा भाई हम जो है ना अब जा रहे हैं यहाँ से, हम अपनी गाड़ी पार्क कर दी हमने और यहाँ से हम जाएंगे कुछ जगहों पे घूमे फेंगे रहेंगे कि हम जो है रक्षा में जाएँ तो हम रक्षा में जा लें। तो आइए तो वाले भाई के साथ तो देखें शाम का मंजर। तो शाम का मंजर तो बहुत ही ज़बरदस्त है यहाँ पे, यहाँ के बाज़ार, यहाँ की मार्केट। ये 7 नंबर है, 7 नंबर है ना भाई, 7 नंबर है ये। ये शाह लतीफ़ डेयरी बड़ी मशहूर है यहाँ पे, जिसमें यहाँ की स्वीट्स वगैरह बहुत मशहूर है और बहुत ही पुरानी शॉप है वाली। लेफ्ट साइड पे देखें तो लेफ्ट साइड पे 5-7 का स्टॉप नज़र आ रहे हैं यहाँ पे, जहाँ से पूरे कराची की आपको अगर आपने कराची जाना है या ट्रांसपोर्ट लेनी है तो आपको यहीं से मिलेगी आप। ये यहाँ का पुल है और यहाँ भाई ये GCT का ग्राउंड हुआ करता था एक ज़माने में, लेकिन यहाँ पे जो है ना पानी खड़ा हुआ है यहाँ पे। ये जितने भी हैदराबाद की जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है उसको चाहिए कि इस पर काम करें, इसको देखें, क्रिकेट को आबाद करें यहाँ पे, या कोई स्पोर्ट्स के हवाले से जो भी चाहें। ये हैदराबाद कैंप स्टार्ट हो गया है, यहाँ पे ग्राउंड पे खेलना है इस साइड पर। तो यहाँ पे छोटा ग्राउंड था लेकिन अब जो है यहाँ पे पानी खड़ा हुआ है। तो ये जगह जो है ना अगर आप देखें तो यहाँ पे कोई फैसिलिटी नहीं है सफाई से बच्चों के हिसाब से।
ये कितना खूबसूरत व्यू है यार। लुक द व्यू यार, बहुत जबरदस्त। ये भाई मजार है यहाँ पे, दरबार है वनी मजार, बड़ी फेमस मजार है। अस्सलाम वालेकुम। ये ठंडी सड़क है यहाँ पे और हम टर्न कर रहे हैं इस तरफ, क्योंकि हमें इस तरफ जाना है। अच्छा भाई, ये जो है गुल सेंटर रोड जा रहा है, यहाँ का बहुत ही फेमस रोड है यहाँ पे। यहाँ पे तमाम देखें आप, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट्स है, तमाम चीज़ें हैं यहाँ पे। यार रक्शे का अपना ही मज़ा है भाई, बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ। ज़माने में भाई बता रहे हैं, रिक्शे वाले भाई बता रहे हैं कि यहाँ पे सिनेमा होता था, जो कि अब ख़त्म हो गया है यहाँ। अब नहीं कहते, अब जो है सिंपल रोड है ये, लेकिन ये कि ये हैदराबाद तोड़ रहे हैं भाई। हैदराबाद में भी रेड बसेस आ चुकी हैं, ये देखें आप रेड बसेस का, देखें आप कितना ज़बरदस्त यहाँ पे चल रही हैं बसेस का। ये ऑटो पार्ट की मार्केट है भाई सारी यहाँ पे। अब हम पहुँच चुके हैं रेशम गली, जो कि बहुत फेमस है हैदराबाद के अंदर, और यहाँ कुछ शॉट मैं लूँगा आपके साथ। अब तकरीबन यहाँ पे करीब ही पहुँच चुके हैं यहाँ पे। लेकिन मज़ा मज़ा आ रहे हैं, रेशम गली मशहूर है हैदराबाद का। भाई रात की तारीखी में भी ना हैदराबाद बहुत ज़बरदस्त लगता है। ये देखिए रात के टाइम हैदराबाद, रेशम मार्केट के बाद अब जो है हम वापस की तरफ निकल रहे हैं, तो हमारा जो अब सफ़र जो है वो वापसी की तरफ है। तो रश तो अभी भी बहुत शहीद हो रहा है, लेकिन जी तो भाई हमने जो है बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किया हैदराबाद में, और इस वाली साइड पे बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। उम्मीद है कि आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। मेरी मज़ीद वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। शुक्रिया।